आईपीएल 2023 के क्वालिफायर के मुकाबले में गुजरात टाइटेंस की टीम ने रचा इतिहास। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हराकर बनाई सीधा फाइनल में जगह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 का क्वालिफायर फर्स्ट का मुकाबला जो कि चेन्नई में खेला गया, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चेन्नई की घरेलू सरजमी पर गुजरात टाइटेंस की टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। और इसी शानदार जीत में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की बल्लेबाजी में थोड़ी सी कमजोरी रही थी, तो वहीं पर गुजरात टाइटेंस की टीम ने गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया था, जिसकी बदौलत गुजरात टाइटेंस की टीम ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है और यहां पर सीधा फाइनल में जगह बना ली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को उनकी घरेलू सरजमी पर हराकर गुजरात टाइटेंस की टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो का आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी आज के मुकाबले में गुजरात टाइटेंस की टीम की इस ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो दोस्तों हम बात करें सबसे पहले दोनों ही टीमों के परफॉर्मेंस के बारे में। तो जहां पर गुजरात टाइटेंस की टीम ने अब तक चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के ऊपर दबदबा जमाया रखा है, गुजरात टाइटेंस की टीम और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आईपीएल 2023 की शुरुआत भी करी थी, जहां पर कमाल की शुरुआत गुजरात टाइटेंस की टीम ने उस मुकाबले में भी करके दिखाई थी, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हराकर गुजरात टाइटेंस की टीम ने उस मुकाबले में भी इतिहास रचा था। और एक बार फिर क्वालिफायर के मुकाबले में भी इस टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हराया है। और इसी हार के साथ ही यहाँ पर गुजरात टाइटेंस की टीम ने सीधा फाइनल में भी जगह बना ली है, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हार के बावजूद भी एक और मौका मिलने वाला है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम क्वालिफायर टू का मुकाबला यहां पर जीत जाती है तो फिर एक बार फिर गुजरात टाइटेंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच हमें रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले के पूरे हाईलाइट के बारे में। तो मुकाबले की शुरुआत से ही हम बात करें तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की घरेलू सरजमी पर पारी की शुरुआत करने उतरे थे डेविन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़, जहां पर दोनों ही खिलाड़ी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाते हुए दिखे। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस किया तो वहीं पर डेविन कॉनवे ने भी इस मुकाबले में कमाल की पारियाँ खेली। डेविन कॉनवे की हम बात करें तो शानदार शुरुआत करते हुए दिखे थे। इन्होंने यहाँ पर 25 गेंदों पर 42 रनों की शानदार पारी खेली थी। डेविन कॉनवे की बेहतरीन फॉर्म इस मुकाबले में देखने को मिली थी, इनकी स्ट्राइक रेट भी काफी बेहतरीन थी। तो वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी इस टीम में बेहतरीन शुरुआत दिलाते हुए अपना अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा किया। ऋतुराज गायकवाड़ ने आज के मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस किया और 27 गेंदों पर 50 रनों की शानदार पारी खेली थी। अपनी इस पारी में इन्होंने 2 चौके और 3 छक्के भी जड़े थे। इनकी स्ट्राइक रेट रही थी 186.66 की। कमाल की शुरुआत ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को दिलाई, लेकिन इन दोनों ही खिलाड़ियों को कुछ समय के बाद पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। ऋतुराज गायकवाड़ जहां शतक के इरादे से मैदान पर उतरे थे, लेकिन अर्धशतक बनाकर ही इन्हें पेवेलियन लौटना पड़ा। ऋतुराज गायकवाड़ ने आज के मुकाबले में इनको बोल्ड किया था अलजरी जोसेफ ने। तो वहीं पर डेविन कॉनवे की हम बात करें तो इनका विकेट लिया था राशिद खान ने। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के दूसरे बल्लेबाजों की बात करें तो नंबर 3 पर पारी को संभालने उतरे थे मोइन अली के साथ बेन स्टोक्स, जहां पर मोइन अली भी शानदार फॉर्म में उतरे थे, बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ मैदान पर उतरे थे, लेकिन ये ज़्यादा समय तक मैदान पर टिक नहीं पाए और इन्होंने 17 गेंदों पर मात्र 23 रन ही बनाए और अपनी इस पारी में 1 चौका और 1 छक्का लगाकर इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी और इनको भी यहां पर बोल्ड किया था अलजरी जोसेफ ने। इनकी स्ट्राइक रेट देखने को मिली थी इस मुकाबले में 135.29 की। इसके बाद बेन स्टोक्स की हम बात करें तो बेन स्टोक्स भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे, 12 गेंदों पर मात्र 12 रन बनाकर ही ये भी पेवेलियन लौट गए, लेकिन अपनी इस पारी में इन्होंने 1 छक्का जरूर जड़ा था, लेकिन इनका विकेट लिया था यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने। बेन स्टोक्स की हम बात करें तो बेन स्टोक्स बेहतरीन शुरुआत में उतरे थे, लेकिन यहां पर अंबाती रायडू जो कि मुकाबले में कुछ खास करते हुए नहीं दिखे,
छः गेंदों पर मात्र 7 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। अपनी इस पारी में इन्होंने एक चौका भी जड़ा था। इनकी स्ट्राइक रेट भी 116.66 की देखने को मिली थी, लेकिन इनको बॉल्ट मोहम्मद शमी ने कर दिया और इनको भी यहाँ पर पवेलियन की राह देखनी पड़ी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने बेहतरीन शुरुआत ली थी, लेकिन बाकी बल्लेबाज कुछ खास करते हुए नहीं दिखे, जिसकी वजह से इस टीम को घरेलू सरजमी पर हार का सामना करना पड़ा। हम बात करें यहाँ पर इसके बाद शिवम दुबे की, तो यहाँ पर बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे के साथ जडेजा, जहाँ पर शिवम दुबे ने 18 गेंदों पर 20 रन बनाए, लेकिन जडेजा आज के मुकाबले में 2 गेंदों पर अपना खाता भी नहीं खोल पाए और इनको बॉल्ट अज्जाजी जोसेफ ने कर दिया। शिवम दुबे की हम बात करें तो इन्होंने 20 रन जरूर बनाए थे। अपनी इस पारी में एक चौका और एक छक्का भी देखने को मिला था। इनकी स्ट्राइक रेट रही थी 120.55 की, लेकिन इनको भी पवेलियन की राह पर जाना पड़ा। इसके बाद हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की, तो यहां पर पारी को शुरुआत संभालने उतरे थे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिचेल सेंटनर, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। 200 की स्ट्राइक रेट के साथ वे हमें मैदान पर खेलते हुए दिखे। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आज के मुकाबले में 7 गेंदों पर 15 रन बनाए थे। अपनी इस पारी में एक चौका और एक छक्का भी देखने को मिला था। मिचेल सेंटनर की हम बात करें तो आज के मुकाबले में मिचेल सेंटनर अपना खाता नहीं खोल पाए, लेकिन यहां पर नाबाद रहे थे महेंद्र सिंह धोनी और मिचेल सेंटनर। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने थोड़े थोड़े रन जोड़ते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर मात्र 178 रन ही बना पाई और यहां पर 178 रनों का टारगेट गुजरात टाइटेंस की टीम के सामने इस टीम ने रखा था। गुजरात टाइटेंस की टीम के बल्लेबाजों की हम बात करें तो बल्लेबाजी इस टीम की शानदार रही थी। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने आज के मुकाबले में 4 ओवर में 29 रन खर्च करने के बाद 2 विकेट लिए थे। जोशुआ लेटिल ने यहां पर 4 ओवर में 41 रन खर्च करने के बाद 1 विकेट लिया। राशिद खान ने 4 ओवर में 33 रन खर्च करने के बाद 2 विकेट लिए। तो वहीं पर अलजारी जोसेफ ने भी 4 ओवर में मात्र 14 रन खर्च करने के बाद ही 2 विकेट अपने नाम पर किए। तो वहीं पर गुजरात टाइटेंस की टीम के बल्लेबाजों की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे रिद्धिमान शाह के साथ सुमन गिल, जहां पर रिद्धिमान शाह ने भी कमाल का परफॉर्मेंस किया और आज के मुकाबले में 20 ओवर में 32 रनों की शानदार पारी खेली। अपनी इस पारी में 2 चौके और 2 छक्के भी जड़े थे। 157.66 की स्ट्राइक रेट के साथ रिद्धिमान शाह मैदान पर उतरते हुए दिखे, लेकिन इनको पवेलियन की राह दिखा दी थी यहां पर राजवर्धन हेंगर के करने। इसके बाद पारी को संभाल रहे सुमन गिल ने भी आज के मुकाबले में अपना अर्धशतक पूरा किया। सुमन गिल ने कमाल का परफॉर्मेंस किया और 30 गेंदों पर 52 रन बनाकर यहाँ पर अपनी इस पारी में 6 चौके और 2 छक्के भी जड़े थे। अपनी स्ट्राइक रेट 176.72 के साथ ये मैदान पर उतरे थे, लेकिन सुमन गिल को पवेलियन की राह दिखा दी थी यहाँ पर तुषार तेज पांड्या ने। इसके बाद साई सुदर्शन की हम बात करें तो साई सुदर्शन ने 17 गेंदों पर 22 रनों की शानदार पारी खेली। अपनी इस पारी में इन्होंने 3 छक्के भी जड़े थे। कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए इन्होंने यहां पर मैदान पर उतरे थे। इनकी स्ट्राइक रेट भी काफ़ी बेहतरीन थी, लेकिन यहां पर इनको भी पवेलियन जाना पड़ा और इनका विकेट गिरा था सर रविंद्र जडेजा के रूप में। इसके बाद हार्दिक पांड्या की हम बात करें तो हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाला और यहां पर टीम को बेहतरीन स्कोर तक पहुँचाया। हार्दिक पांड्या ने आज के मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए 23 गेंदों पर शानदार परफॉर्मेंस किया और 32 रन बना दिए। तो वहीं पर इनके साथ यहां पर पारी को संभालने उतरे थे विजय शंकर ने भी शानदार परफॉर्मेंस किया और यहां पर 21 गेंदों पर 27 रनों की नाबाद पारी के लिए। हार्दिक पांड्या और विजय शंकर ने इस मुकाबले में नाबाद रहते हुए मात्र 19.2 ओवर में ही टारगेट को हासिल कर लिया और यहां पर 5 विकेट के नुकसान पर 182 रन बना दिए और यहां पर गुजरात टाइटेंस की टीम को 5 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। और इसी जीत के साथ यहां पर गुजरात टाइटेंस की टीम सीधा फाइनल में भी पहुंच चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की हम बात करें यहां पर गेंदबाजी की, तो यहां पर दीपक चाहर ने आज के मुकाबले में गेंदबाजी में अपना खाता भी नहीं खोला। तो वहीं पर सर रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 28 रन खर्च करने के बाद 2 विकेट जड़े। राजवर्धन हेंगर केकर ने भी 4 ओवर में 36 रन खर्च करने के बाद 2 विकेट लिए। तो वहीं पर तुषार तेज पांड्या ने भी आज के मुकाबले में 1 विकेट अपने नाम पर किया। 51 रन खर्च करने के बाद तुषार तेज पांड्या मात्र 1 ही विकेट अपने नाम पर कर पाए।
और यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने घरेलू सरजमी पर हार कर यहाँ पर क्वालिफायर टू में पहुंची है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हार के बावजूद भी एक और मौका मिलेगा, जिसकी वजह से ये टीम यहां पर फाइनल में अभी भी पहुंच सकती है और फाइनल का खिताब अभी भी अपने नाम पर कर सकती है। तो दोस्तों, क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस बार फाइनल तक पहुंच पाएगी या फिर गुजरात टाइटेंस की टीम को फाइनल तक पहुंचने के बाद हरा पाएगी? क्या इस अभ्यास मुकाबले की तरह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम यहां पर हार का सामना करना पड़ेगा या फिर गुजरात टाइटेंस की टीम यहां पर हार कर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के सामने इतिहास नहीं रच पाएगी या फिर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।